मशहूर डायरेक्टर विक्रांत मोरे ने हाल ही में अपनी फिल्म फेस ऑफ ट्रूथ का ट्रेलर लॉन्च किया। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट, पुलिस अधिकारी, क्राइम जर्नलिस्ट मौजूद रहे। शेख फाउंडेशन की ओर से भी इस फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही विक्रांत इस फिल्म को और भी संस्थाओं तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनका मैसेज पीएम तक पहुंच सके। इस फिल्म में डिप्रेशन में जा रहे बच्चों और उससे आत्महत्या करने जैसे विषय को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म की यूएसपी ये है कि इस फिल्म में 14 सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रख सके। बाल आत्महत्याओं और बाल अत्याचार के खिलाफ इन्होंने जो एक वीडियो बनाया है सराहनीय है। इस किस्म के सोशल कॉजेज से रिलेटेड हर वो फिल्म जो बनती है एक समाज में एक मैसेज निर्माण करती है, एक सीख देने का काम करती है। जैसे हमने अभी देखा दंगल फिल्म, तो इस किस्म की ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि हर फिल्म बहुत बड़े कैनवस पर हो, बहुत बड़े ध्यान पर हो। आप लोगों के जरिए से अगर फिल्म छोटी भी है और छोटे बजट में भी बनी है लेकिन उसका मैसेज अगर यदि हार्ड हिटिंग है तो मुझे लगता है ये एक उसकी रीच बहुत फारफेच्ड होगी। और इन्होंने ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मुझे लग रहा है बनाया नहीं, इन्होंने एक सिविक और एक सोशल मैसेज देने की जानिब से उन्होंने ये प्रयास किया है। और बहुत अच्छी बात है कि शुभ दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर ये रिलीज होने जा रही है, मेरी दिली शुभकामनाएं हैं। और ऐसे अन्य जो कॉज रिलेटेड फिल्म्स हैं जिसमें हमें एक मैसेज मिलती है अपने व्यवहार को बदलने के लिए, या जो एक इंस्पिरेशनल फिल्म होती है, ऐसी अन्य और फिल्में बननी चाहिए मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में। और हम सब लोगों ने इस किस्म के फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि समाज के अंदर होने वाली घटना है जो आप हमने फिल्म में देखी है कि माँ बाप जो घटना करते हैं या माँ बाप या बाप दादा भी क्या है और दूसरे चीज़ों में अगर कहीं जब स्लम एरियाज में देखेंगे जहाँ पर एजुकेशन कम है कुछ तो वहाँ पर माएँ थोड़ा सा तो बहुत कुछ नहीं करती है, बाप नहीं करता या मामा चाचा ज्वाइन कर कुछ भी हो तो वहीं पर ही बच्चों को भी बोला जाता है कुछ बताओ तम्बाकू क्यों सिगरेट आने वाला। इसकी वजह से कि ग्रेसिटी जो अप्रोच होती है वो ड्रग्स एडिक्ट की लेके जाता है और जब बाप पी सकता है हाँ खा सकती है तम्बाकू उसको क्या है फिर से कम से जब उसका उम्र बढ़ने लगता है तो देखने लगता और जो न्यूट्रिशन है वो बहुत से सोशल सिस्टम की वजह से ही आ गए। बच्चों को कंपैरिजन करना भाई वो पहला फर्स्ट नंबर लेके आया इतने मार्क्स लेके आए तो आपने इतना नहीं लेके आए, फिर एक्सपेक्टेशन है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं बड़ा ऑफिसर हूँ तो वही है वो भी मेरा बच्चा वैसा बनना चाहिए मेरी बच्ची वैसा बनना चाहिए। इस तरह से अल्टीमेटली उसका जो प्रेशर है बढ़ते जाता है और हम आज तक देखे जाए इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस के हम लोगों ने बात नहीं करी, कौन कितना होशियार है उसका जो आईक्यू पे ही बात करने जाता है। तो अगर देखा जाए तो आईक्यू इट्स ओके फॉर द समथिंग इज गेटिंग द सक्सेस बट यू हैव अ नो ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वेश्चंस। ओके अगर इमोशनल क्वेश्चंस नहीं है, एडिसन के पास भी इमोशनल क्वेश्चंस था, बहुत से अगर साइंटिस्ट देखो कि आपने खली भी जो खुले हैं सीन क्लियर्स वगैरह आपको इनके पास इमोशनल क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के थे। इमोशनल क्वेश्चंस होने की वजह से ही हम अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हो। ये है कि रोजमर्रा की लाइफ में आए दिन न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती है कि 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी, 5 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी, यानी जिन बच्चों को जिंदगी के बारे में पता नहीं उनके दिमाग में सोसाइटी की भावना कहाँ से आती है करके फिर सर्च पर करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे और मुंबई में मैंने अराउंड 300 से ज़्यादा पेरेंट्स मिला जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या कर ली है, फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और काफ़ी 2-2.5 साल की रिसर्च के बाद में ये पता चला कि ये जो आंकड़ा है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। राइट, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी तक की मेरे नॉलेज में जो चीज़ें हैं कि जो आत्महत्या की फिल्में बनी है उसके लिए हमेशा से सिर्फ एक ही रीज़न बताया गया कि प्रेशर, और प्रेशर के कारण ही बच्चे आत्महत्या कर जाए।
लेकिन जब मैं ऐसे माँ बाप से मिला जिनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली, ऐसे केसेस देखे मैंने पुलिस स्टेशन में जाके, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिला, तो ये पता चला कि एक ही रीज़न नहीं, बच्चों की आत्महत्या करने के 9 रीजन्स हैं, और वो सारे 9 के 9 रीजन्स उन्होंने जो 9 रीजन्स आज तक किसी भी फिल्म मेकर ने पिक्चराइज नहीं किए एज पर माई नॉलेज। और वो बच्चे आत्महत्या करने के पहले ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं, यानी क्या ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि माँ बाप को पता चल सकता है कि उनके बच्चे जो है वो डिप्रेशन का कहीं के शिकार बन रहे हैं, वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। और सोल्यूशन, और हम लोग इसके अंदर 14 सोल्यूशन ये है कि डॉक्टर्स लोगों से बात की, साइकेट्रिस्ट लोगों को इनको इन्वॉल्व किया और टीचर्स को इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व करके हम लोग ने 14 सोल्यूशन बताए जो इस आत्महत्या को रोकने के पीछे वो सर 14 को रिलीज कर रहे हैं। इसकी रिलीजिंग डेट हम लोग 14 अप्रैल को इसलिए चुनी है, क्या है 14 का राज क्या? हाँ, 14 नवंबर को तो ध्यान में नहीं रखा है। हाँ, 14 का राज मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि क्या है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में आज़ादी तो मिल गई, ब्रिटिश लोगों के हिसाब से ही हमारा काफ़ी दिनों तक देश चलता रहा, लेकिन इस देश को चलाने के लिए और दलितों और मुसलमानों का मसीहा अगर कोई था तो वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज पर माई नॉलेज। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया संविधान दिया, एक जीने का सिस्टम दिया जिससे कि इस समाज में और देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ये और बात है कि इसको कितना अमल में लाते हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले अगर खिलाफ है तो संविधान का कुछ फ़ायदा नहीं है, और शायद अभी हम वही चीज़ें फेस कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए आपने क्या यानी कि अपनाया है, किस तरह से क्या क्या नीतियाँ होंगी इसके, मुंबई के अलावा कहाँ कहाँ जाने वाले प्रमोशन के लिए? अभी तो फिलहाल मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शेख फाउंडेशन को मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा कि शेख फाउंडेशन से इसकी शुरुआत हुई है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो सोशल मुद्दों पे अवेयरस है, तो ऑल ओवर मुंबई में जितने भी एनजीओस है उनमें से ये पहली एनजीओ है शेख फाउंडेशन जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया और इसको रिलीज़ करने का एक जिम्मा भी उठाया है, और एक पर्टिकुलर पार्ट के टिकट्स भी परचेस कर रहे हैं कि एक एरिया इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो बस हमारा टारगेट्स एनजीओज ही हो गए। जी, टॉपिक की अगर बात करें तो ये टॉपिक को लेकर और क्या कुछ कदम आप लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं, क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास भी आपकी ओर से कोई कदम उठाए जाएंगे, वहाँ पर कोई पत्र लिखा जाएगा या भेजा जाएगा? यह है कि मेरी जो कोशिश थी वो तो थी कि सर्च वर्क करना और इस फिल्म को बनाना, इस पिक्चर को बना तो लिया। अब मेरे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं जैसे कि शेख फाउंडेशन है और भी बहुत सारे एनजीओज है, उस एनजीओज को मिलके हम ये कोशिश करने का जरूर प्रयास करेंगे कि हम पीएम तक भी इस मुद्दे को लेकर पहुँचाए, ताकि टैक्स फ्री होने की वजह से ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए और इसको जान पाए। आपने जो वो रीजंस दिए ना, वो रीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से मुझे लगता है ये फिल्म थोड़ी सी स्लाइटली हटके फ्रॉम द फिल्म जो लोगों ने पहले बनाई है। सो एटलीस्ट हमको अभी, जैसे मैं खुद काफ़ी यूथ चैनल्स और यूथ शोज़ कर चुकी हूँ, और ये मुद्दा हमेशा हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि लोग है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्योर मतलब प्रेशर इतना है कि सुसाइड का कॉज समझ में नहीं आ रहा है, बट ये जो आंकड़ा है कभी नीचे आ ही नहीं रहा है। सो रीजंस क्या हैं हम खुद ढूंढते हैं, एंड इट्स ग्रेट दैट ही इज एक्चुअली रिसर्च्ड इट, एंड रिसर्च करने के बाद अगर उन्होंने ये हमें एक छोटी छोटी इंसिडेंट्स बताई हैं, जैसे कि डिप्रेशन में है, इस तरीके से बच्चा बिहेव करता है, तो वो हमारे लिए एक सीख है फॉर अस टू नो कि अगर हमारे इर्द गिर्द वो हो रहा है तो वी नीड टू बी अवेयर। इट्स नॉट जस्ट इज जस्ट मेकिंग अ फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर व्हाटएवर बिजनेस, ही इज डूइंग इट फॉर अस टू बी अवेयर कि हमारे इर्द गिर्द ही ये सब होता है, एंड लेट्स नॉट चूज टू इग्नोर इट। एक फाउंडेशन जो है ये एज इट इज एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, और उनका बेस ही ये है कि हम बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन हो या उनकी जो भी मसलियात हो उसी के ऊपर हम काम करते हैं, और हम रूरल एरियाज में ज़्यादा काम करते हैं। तो मेन हम जब ये प्रोजेक्ट सुना तो हमें ये लगा कि ये बच्चों से रिलेटेड है, और दूसरी बात जो ये स्ट्रेस और ये जो डिप्रेशन में आके जो लोग और जो बच्चे ज़्यादातर खुदकुशी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बच्चे हमारे आने वाले जनरेशन, और ये आने वाले जनरेशन ही हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। शेख फाउंडेशन ने जो शुरुआत की है वो शुरुआत पहले घर से शुरू की है,
और आप देखेंगे कि समाज वो किसी धर्म और ना करते हुए पूरे सब समाज को लेकर आगे बढ़ना है, साथ में इस मुद्दे के तहत इन्होंने काम किया है। रही ये बात दूसरी कि फाउंडेशन के माध्यम से हम ऑलरेडी 1980 से काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको एक लीगल जामा पहनाया है शेख फाउंडेशन के हमारे जावेद ने, मुश्ताक ने, कि वो उसको एक एनजीओ की शक्ल दी है। अब इसको अगर एनजीओ की शक्ल दी गई है तो उसको उसी टाइप से करना पड़ेगा जिस टाइप से समाज की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। और एनजीओ ये फाउंड हमने किया है, दिस इज नॉट कि अब हमने कुछ बिगेनिंग की नई से, ये शुरुआत हमारे बाप दादाओं से हमें मिला है। खून में उबाल तो तब से ही था, लेकिन उसे जैसे अभी हमने फारूक शेख की जुबानी सुनी कि उसको लीगली जामा हमने अब पहनाया है, एनजीओ में रजिस्टर हमने अब किया है, उसके सर्टिफिकेट्स इश्यूज अब हुए हैं, लेकिन ये काम पहले से ही चला आ रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन्स हमने देखा है कि हमारे घर में काम हो रहा है, फिर चाहे वो हिंदू समाज में या किसी और समाज का काम हो, यानी जो भी काम हमारे तक आया है अपने लेवल पे उसे पूरा करने की हमने कोशिश की है।